आज जो प्रधानमंत्री ने संबोधन किया जी 18,000 और हम आज देश दे हिंदी आज देश के ऐसे प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है, जन्मदिवस है, जिसको भारतीय जनता पार्टी सारे देश में मना रही है। और भारतीय जनता पार्टी लुधियाना जो है, जिसके 25 मंडल हैं, 25 के 25 मंडलों में एक ही समय में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। बड़े बड़े नेताओं जो हमारे जिला स्तर के हैं, प्रदेश स्तर के कार्यक्रम में जा रहे हैं, अपनी बात कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री जी अभी संबोधन करेंगे किसान सम्मेलन को, उनकी बात सुनेंगे भी। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी का ये कार्यक्रम इसलिए रखा गया है कि अटल बिहारी वाजपेयी केवल भारतीय जनता पार्टी के ही नेता नहीं थे, वो एक सर्वमान्य नेता थे। अक्सर उनके बारे में मजाक करते हुए अपोजिशन के लोग ये कहा करते थे कि अटल जी आदमी तो बढ़िया हैं लेकिन पार्टी गलत में है। तो अटल जी कहते हैं तो फिर अब आपका उसके आगे क्या विचार है, तो सब हंस दिया करते थे। और अटल जी ने अपने जीवन के अंदर जब वो प्रधानमंत्री बने तो इस देश को जिस तरक्की के रास्ते पर चलाया, जिसमें चाहे स्वर्ण चतुर्भुज जो सड़कों का आप बिछा हुआ जाल आज देख रहे हैं, वो अटल जी ने शुरू किया। बॉम्बे, कलकत्ता, चेन्नई से दिल्ली तक पहला स्वर्ण चतुर्भुज बना, उसके बाद ये देश के अंदर सड़कों का जाल बिछना शुरू हुआ। सर, लेकिन किसानों की बात किया जाए, आज किसानों को 18,000 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं, लेकिन किसानों को समझाने में तो अभी जो बीजेपी सरकार है वो नाकाम है। देखिए, किसानों ने प्रधानमंत्री जी से पैसा नहीं मांगा था, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था कि मैं 2022 तक किसानों की आमदन दुगनी करूंगा। उसी के अंतर्गत उन्होंने जो प्रधानमंत्री सम्मान निधि की घोषणा की। और रही बात समझाने की बात कि सोए व्यक्ति को जगाया जा सकता है, जागते को जगाया नहीं जा सकता। कई जगह बीजेपी का विरोध भी हुआ पंजाब में, ठीक है, कुछ लोग लगे हुए हैं। अब मैं, आप मेरे मुंह से जो कहलाना चाहते हो मैं वो तो नहीं कहूँगा, लेकिन किस दिशा में किसानों का जो ये आंदोलन जा रहा है, किन लोगों के हाथ में वो आंदोलन आ रहा है, वो इस प्रकार की खुरापात करते हैं, करेंगे, लेकिन हम किसी तरह भी अपना आपका खोने वाले नहीं हैं। कंपनी के मोबाइल टावर भी बंद किए जा रहे हैं, आपको लगता है कि इससे क्या? वो निजी कंपनी जिसका वो आप टावर की बात कर रहे हैं, और उसका बार बार देश के एक राजनीतिक पार्टी के उपाध्यक्ष बार बार वो दो व्यक्तियों का नाम लेके भाजपा की आरोप लगाते हैं, तो क्या उससे पहले उनको अपने अंदर देखना नहीं चाहिए कि उनकी दादी के संबंध कैसे थे उनके साथ, या भाजपा के आने के बाद ही इस देश में मल्टी मिलियनर बने, अरबपति खरबपति बने? सो एक बात जो पता नहीं उस व्यक्ति के दिमाग में कैसे घुस जाती है ना, वो वही पर रटता रहता है। लेकिन ऐसी कोई बात, जी ने ट्वीट किया, वो कह रहे कि देश के प्रधानमंत्री पर निशाना साधा, वो कह रहे कि जो अटल बिहारी जी के जो जन्म स्थली के आज उपलक्ष में किसानों को समझाने में नाकाम रही है। उनकी अपनी मजबूरी है, उनकी पार्टी भी टूट गई, उनका शिराजा बिखर गया, पार्टी तीन टुकड़े हो गई उनकी। उनको अपनी जमीन बचानी है, वो अपनी जमीन बचाने के लिए इस प्रकार की अनगढ़ंत बातों का आलाप करते हैं, ऐसा कुछ नहीं। अभी बाली है जी, की प्रोग्राम हो रहा? प्रोग्राम अज जे साडे सदी के महानायक भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस, और जोड़े प्यारे साडे शहीद होए सी उन्होंने नमन करते हुए इतने अच्छे श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं सारे साडे भारतीय जनता पार्टी और इलाका निवासी। कितना ना कि लगता नहीं कह रहे हो किसानों में राहत दी जानी चाहिए? 100% राहत मिलनी चाहिए है जी। सरकार, मैं थोड़ी गल बिल्कुल एग्री हाँ, सरकार इस गल प्रयासरत है, और सरकार हर बार अपने वालों परसनल तौर पर इनविटेशन तकरीबन 6 से 7 बार भेज चुकी है। कल दोबारा फिर एक इनविटेशन भेजा गया, बुलावा दिता गया भी आओ आप बैठ के इस गल का कोई प्रॉपर वे ना कोई सोल्यूशन कढ़ सकी, तां जो जिहड़ा अन्नदाता किसी प्रकार उन्हां दा जिहड़ा हरासमेंट हो रही है, उन्होंने बॉर्डर पर बैठ के ठंड के मौसम के हरासमेंट ना हो, तो वह जाके जिहड़े उन्होंने नाल मजदूर भी तबका जुड़िया होया उन्होंने भी प्रॉपर वे नाल रोटी मिल सके, अन्नदाता दोबारा अपने कार्य से वापस लौट सके। ठंड च बैठे दत्तां हो रही हैं, बीजेपी सरकार इन्ना अड़िया रवैया कर रही है? नहीं, ऐसी कोई गल नहीं, अड़ियल रवली रवैये वाली अगर गल होंगी तो बीजेपी ने एक बार भी इनविटेशन उन्होंने नहीं भेजना। सदा पत्र मैं तुम्हें पहला भी रिक्वेस्ट सहायता यह गल कही है,
ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ 6-7 ਵਾਰ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਨ ਗਈਆਂ ਖਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬੈਠੇ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਮੌਜੂਦ ਆ ਉੱਤੇ ਚਲੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿੱਧਰ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਬਿੱਲ ਪਾੜ ਕੇ ਇੱਕ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਯੈਸ ਨੋ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰੰਥ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਰ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਐਤੀ ਮਾਰ ਪਈ ਕੁਰਲਾਣੇ ਤੈਂ ਕੀ ਦਰਦ ਨਾ ਆਇਆ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਰਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹੱਲ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲੇਕਿਨ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਨੇ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਟੂ ਆਵਰ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਨਿਊਜ਼ DNN ਬਾਈ ਕਲਿਕਿੰਗ ਦ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਡੋਂਟ ਫੋਰਗੇਟ ਟੂ ਲਾਈਕ ਕਮੈਂਟ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ